Assalamu Alaikum dear students my name is Hamid Ali and I am a family graduate and currently working as a lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences Shergarh. Today this is your 6th chapter in your physiology class and in this lecture we will study about skin The topic which we will cover today in this lecture are introduction about skin the structure of skin the functions of skin एंड टेम्परेचर रेगुलेशन बाय स्किन सबसे पहले हम शुरू में स्किन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्किन होता क्या है उसके बाद हम स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात बात करेंगे कि स्किन किस चीज़ से बना है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बाद हम स्किन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि स्किन के काम क्या है उसका क्या रोल है अपनी हम ह्यूमन बॉडी में एंड एट लास्ट हम उसके बारे में बताएंगे कि स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी हरारत किस तरह रेगुलेट करता है इंट्रोडक्शन द ह्यूमन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटिगमेंटरी सिस्टम अच्छा स्किन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे आउटर यानी ऊपर वाला हिस्सा है एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारे जिसम में जितने भी ऑर्गन हैं उसका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और कई के जीज उसका वजन आता है ऑफ़ द इंटीगोमेटरी सिस्टम स्किन को जो सिस्ट, जो सिस्टम का हिस्सा है उसे हम कहते हैं इंटीगुमेटरी सिस्टम जिस तरह हर्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है इस तरह किडनीज यूरिनरी सिस्टम का इस तरह इंटीगुमेटरी सिस्टम जो है ये स्किन uh, जो है इंटीगोमेटरी सिस्टम का हिस्सा है द स्किन हैज अप टू सेवन लेयर्स स्किन के टोटल सेवन लेयर्स हैं स्किन के दो मेन लेयर्स है, होते हैं एक एपिडर्मिस होता है पार्ट्स होता है और एक एपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है एपिडर्मिस के टोटल फाइव लेयर्स होते हैं और डर्मिस के दो होते हैं इसलिए इसके टोटल लेयर्स होते हैं सात बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद इन्वायरमेंट स्किन प्लेज एन इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी रोल इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड एक्सेसिव वाटर लॉस सो स्किन का जो बेसिक पर्पज होता है इट इंटरफेसिज विद द इन्वायरमेंट सो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इन्वायरमेंट से छुपे हुए होते हैं लेकिन स्किन का सबसे पहला कंटेक्ट इन्वायरमेंट के साथ आता है यानी माहौल के साथ स्किन प्लेज एन इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी रोल इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस सो स्किन का ये मेन रोल होता है कि ये हमारे पैथोजेंस जो बीमारियाँ जो प्रोड्यूस करते हैं जो तो वो उसको बचाता है हमारा स्किन ये एक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ना जा सकें एन एक्सेस्टि एक्सेसिव वाटर लॉस और हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है तो बॉडी का जो वाटर है वो बॉडी में ही रहता है और वाटर लॉस से हमें बचाता है इट आल्सो फंक्शंस इट अदर फंक्शंस आर इंसुलेशन ये बॉडी को इंसुलेट का मतलब ये होता है कि बचा कवर करता है जिस तरह कोई कवरिंग होती है और वो उसे टम्परेचर से और और जो बाहर की चीज़ें होती हैं नुकसानदेह उससे बचाता है सनलाइट होगी इस तरह इंसुलेशन होता है टम्परेचर रेगुलेशन स्किन का एक मेन रोल होता है वो बॉडी के टम्परेचर का रेगुलेशन होता है और भी चीज़ें होती हैं लेकिन स्किन भी है जो बॉडी का टम्परेचर रेगुलेट करता है सेंसेशन स्किन सेंसेशन के लिए काम आता है अगर हम किसी चीज चीज को टच करते हैं और हमें फील होता है एहसास होता है इसे कहते हैं सेंसेशन एंड सिंथेसिस ऑफ डी स्किन का एक रोल होता है वाइटामिन डी सिंथेसाइज करना द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विद द टोटल एरिया अबाउट ट्वेंटी स्क्वेयर फीट जो स्किन अगर उसका पूरा एरिया हम देखें तो उसका 20 स्क्वायर फीट आता है और इसकी इसलिए इस, इसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोब्स माइक्रोब्स जो बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड परमिट सेंसेशन ऑफ टच हीट एंड कोल्ड सो जो टच होता है किसी चीज को चूना उसका हरारत और सर्दी और गर्मी जो हमें लगती है तो स्किन हमें फील कराता है हमें पता चलता है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट कौन सा गर्म है या कौन सा ठंडा है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन द स्किन इज कम्पोज ऑफ टू लेयर्स, जिस तरह मैंने बताया स्किन के दो लेयर्स होते हैं एक एपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है Epidermis कौन सा होता है epidermis जो आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो अंदर होता है उसे डर्मिस कहते हैं द इपिडिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन प्रोवाइड्स अ वाटर प्रूफ बैरियर एंड क्रिएट्स अवर स्किन टोन ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और यह क्या करता है वाटर प्रूफ बैरियर मतलब आग अगर जिस किसी चीज़ पे पानी डालें और वो पानी उसके अंदर ना जाए तो उसे वाटर प्रूफ कहते हैं इसलिए हमारे हम जो नहाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर नहीं आता तो ये बिल्कुल इसी तरह वाटर प्रूफ बेरियर होता है एंड क्रिएट्स आवर स्किन टोन और जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है जो हमारा स्किन का कलर होता है और उसका एक टोन होता है तो वो भी इफिडर्मस की ही बदौलत होता है एफिडर्मिस की एक खासियत यह होती है कि इसके अंदर मेलेनोसाइट्स होते हैं ये एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं सेल्स होते हैं जो बॉडी का कलर शो करते हैं जिस तरह कुछ लोग ब्राउन होते हैं कुछ लोग सफेद होते हैं कुछ लोग जिसका रंग थोड़ा ब्लैक होता है तो ये मेले, उसमें मेलेनोसाइड्स ही होते हैं जो जब ज्यादा मेलेनोसाइड होंगे तो स्किन डार्कर होगा और जब कम होंगे तो स्किन वाइट होगी इपिडर्मिस के पांच लेयर्स होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे स्लाइड्स में डर्मिस क्या होता है डरमिस इज बीनिमिस कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस जो इपिडर्मिस के नीचे होता है ये किसी बना होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है हेयर फॉलिकल्स जो हमारी बॉडी के जो हेयर हेयर्स होते हैं जो जहाँ से निकलते हैं हेयर्स जहाँ से ग्रो होते हैं जिसका बेस होता है वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो डर्मिस से हेयर्स निकलते हैं और डरमिस के ऊपर आते हैं तो इसलिए यहाँ पर हेयर डर्मिस हेयर फॉलिकल्स होते हैं एंड स्वेट स्वेट्स जो हमारी बॉडी में जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं जो स्वेट वो भी स्किन की वो भी डर्मिस में ही होते हैं और डर्मिस के दो लेयर्स होते हैं एक सुपरफिशियल पेपिल लेयर होता है और एक डीपर रेटिकुलर लेयर अब आते हैं लेयर्स ऑफ़ इफिडर्मिस इफिडर्मस की कौन कौन सी लेयर्स होते हैं एक होता है स्टेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाला उसके नीचे होता है स्ट्रेटम लूसिडम उसके नीचे होता है स्टेटम ग्रेनुलोसम उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम और लास्ट में स्टेटम जर्मिन जर्मिनेटिवम ये हमारे पास पांच लेयर्स होते हैं अब ये डायग्राम आपको दी गई है जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है इसे एपिडर्मिस कहते हैं और जो नीचे जो डीप जो डीप लेयर होता है उसे डर्मिस कहते हैं और डर्मिस में जिस तरह आप कहा था है कि सबक्यूटेनिस लेयर उसके डर्मिस के नीचे होती है जो जहाँ पर हमारी बॉडी में चर्बी जमा होती है यह है कैपिलरीज जो स्किन को के मुख्तलि ब्लड सप्लाई करते हैं इस तरह ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो डर्मिस से ग्रो होकर एपिडर्मिस तक आते हैं ये उसका शाफ्ट है जो डरमिस के बाहर होता है जो हमें नजर आता है इस तरह इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं डर्मिस में और वो जो स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो इस तरह पाइप के थ्रू आते हैं इसकी स्वेट ग्लैंड पोर में और वहां से रिलीज होते हैं अब आते हैं लास्ट का लास्ट मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन की स्किन बॉडी का इसका क्या रोल है और टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में दो किस्म के मसले आ सकते हैं या हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है और हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस रखना होगा तो जब पहली सिचुएशन है कि वन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ेस हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अगर एग्जाम्पल दें जिस तरह गर्मी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वैन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज़ ब्लड टेम्परेचर आसून केसेज तो हमारा जो जिसमें जो खून होता है वो गर्म हो जाता है वेन द ब्लड विथ इंक्रीज टेम्परेचर पासिस टू द हाइपोथेलेमिस और ये ब्लड क्या करता है ये गर्म ब्लड होता है ये जो बॉडी में जो ब्रेन में हाइपोथेलेमस होता है उसको सिग्नल देता है और क्या करता है इट स्टिमुलेट द थर्मो रिसेप्टर्स हाइपोथेलेमस में जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है जगाता है उसे दैट ब्रिंग्स द टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल और क्या करता है हाइपोटेलेमस क्या करता है ये दो मेन टाइप्स करता है एक ये दो अभी नीचे पढ़ेंगे ये क्या करता है टेम्परेचर को नॉर्मल लाता है किन मैकेनिज्म्स के एक जो क्या करते हैं कि प्रमोशन ऑफ हीट लॉस जब जिसम गर्म होता है तो हमें जरूरत होती है कि जो जिसम की गरमाइश है वो बाहर निकले तो किस तरह देखिए इसलिए उसके लिए हमें चाहिए कि इंक्रीज इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ स्वेट जो जब गर्मी होती है उसमें हमें पसीना आता है पसीना क्या करता है जो बॉडी में जो हीट होती है वो वाटर को ओपरेट करती है तो जो तो बॉडी की हीट क्या इस्तेमाल होती है पानी के लिए तो वो वो जिस तरह हम कोई चीज़ को उबालते हैं इसी तरह ये हमारे वाटर को बॉयल करता है और वो जो जिसम की गर्मा ब्लड की जो गर्मी है वो पानी में ट्रांसफ़र होती है और वो पानी हमारे जिसम से एपरेट होता है और दूसरा क्या है जब एपरेशन होती है तो एपरेशन के साथ कूलिंग होती है तो हमारा जो स्किन है और बॉडी है वो ठंडा हो जाता है सेकेंड प्रिवेंशन ऑफ हीट प्रोडक्शन पहली जो है पहले लॉस करना है और और नहीं प्रोड्यूस करना है हीट बॉडी को तो ये दो प्रोसेस करेंगे बाय इनहिबिटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में किस तरह हीट प्रोड्यूस होती है नॉर्मली एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं और हमें ग्रो करने के लिए यूज होते हैं और एक जो शिवरिंग होती है यानी कामना कामने से भी जो सर्दी में हम जो कामते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो इन दो प्रोसेसेस को इस प्रोसेस को स्टॉप करता है ताकि फर्दर हीट ना प्रोड्यूस हो दूसरा मैं कहने दूसरा हमारे पास सिनेरियो आता है व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस जिस तरह हमारे सर्दी में हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस इट इज़ ब्रॉट बैक टू नॉर्मल बाय टू मैकेजम्स तो उस उसी का अपोजिट है जिस तरह इंक्रीज होता है इसमें डिक्रीज पीके क्या होगा प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस हमें हमारी बॉडी में हीट कम है तो जो जो बनी हुई है थोड़ी सी तो उसको हमें बचाना है हीट लॉस को बाई डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन सो हीट लॉस इज प्रिवेंटेड जो सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है वो स्किन के थ्रू होती है तो हमारा स्किन जो है वहाँ तक हीट नहीं प्रोड्यूस होती इसलिए हमें आ, हमारा स्किन जो है सर्दियों में ठंडा होता है और गर्म जो गर, गर्माइश है वो हमारी स्किन तक नहीं पहुँचती तो इस तरह हीट एक्सेसिव हीट लॉस हमें स्टॉप करता है प्रोमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन इस तरह सर्दी में इस तरह बॉडी में जो प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो जाते हैं इसलिए हमें भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि रिएक्शन होते हैं तो हमें दोबारा दुबार दोबारा खाने का दिल करता है और शिवरिंग होती है जिस वजह से जो शिवरिंग है फ्रिक्शन बॉडी में मसल्स में प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है सो देट्स दैट वॉज आवर लेक्चर फॉर टूडे थैंक यू फॉर लिसनिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच